हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। मुझे जैसे ही इस मसले का पता चला, मैंने काजी जी को फोन किया। मैंने काजी क्या मामला हुआ, बहन जी को फोन किया, बहन जी का फोन मिला नहीं था उस वक्त। बहुत ही दुखद है और ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश बड़े खराब हालात के अंदर है और ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसे बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। कुर्सी की डिमांड करके खड़े जाओ। देखिए, देश में बहुत अच्छे हालात नहीं है। नफरत का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है और लगातार चल रही है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और नेशनल मीडिया में कहीं नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए दिल में क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अलावा कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारी हिफाजत कर सके। पूरे मुल्क में गारंटी सिर्फ कांग्रेस से लड़ाई, दो ही विचारधाराओं की, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ दूसरे लोग हैं। और ये बीच के लोग बातें करते हैं आकर के, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कमजोर करने का काम करते हैं। इस लड़ाई को लड़ने में माननीय हरीश रावत जी, करण महाराज जी, माननीय यशपाल आर्य जी, वीरेंद्र जाति जी, ममता राकेश जी, प्रदीप टमटा जी, हमारे दसमाना साहब, मुरली मनोहर जी, तमाम जो हमारी गैर मुस्लिम लीडरशिप सामने खड़ी हुई है, अगर ये फ्रंट पर लाइन पर हमारे साथ खड़ी रहेगी तो ये लड़ाई मजबूत होगी। अगर इस फ्रंट लाइन को इसके अलावा कोई और आने की कोशिश करेगा तो ये निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। तो ये बात आप बिल्कुल गांठ से बांध लीजिए, ये जो राजनीति का वक्त नहीं है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग इसमें राजनीति खेलने की कोशिश करेंगे। लड़ाई आपकी अभी काजी जी ने जिक्र किया, मेरा आपके साथ जज्बाती ताल्लुक है, सबकी रिश्तेदारी है सहारनपुर में, सबके ताल्लुक सहारनपुर में। अभी यहां से दिल्ली जाऊंगा और कल ही इंशाल्लाह होम मिनिस्टर से मिलकर के देकर के आऊंगा, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर मिले चाहे कैबिनेट मिनिस्टर मिले, कल ही देकर आऊंगा इंशाल्लाह। लड़ाई हम लोग आपकी मजबूती के साथ लड़ेंगे, इस बात का यकीन, क्योंकि हमारे दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो शायद दूसरे के दिल में ना हो और वो दिखाई भी दे रही है। आप सब साथी यहां पे खड़े हुए हैं, सारे लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी आदमी को इसमें राजनीति का मौका अल्लाह के वास्ते मत देते। बस मैं इतनी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को अपनी जमीन दिखाई दे रही और वो पीछे से गाइड कहां से हो रहे हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपकी लड़ाई पूरे देश के अंदर, जो आवाज राहुल गांधी की है पूरे देश में किसी की नहीं, और ये राहुल गांधी के सारे सिपाही फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, इनके पीछे हम खड़े हुए हैं, हमारे पीछे आप खड़े हो, ये बिल्कुल साफ साफ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हुआ ये सीधा सीधा कत्ल है और कत्ल के मुजरिमों को सजा मिलती है, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी। अभी आज ही ऐलान कर रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार आएगी फाइलें खोल करके जेल भेज देंगे इन्हें उठा के। ये बात तय बतक समझ लीजिए। उत्तराखंड के अंदर लड़का मारा था, सारे जेल के अंदर पड़े हुए उत्तराखंड के एनकाउंटर केस में, सारे लड़के सारे पुलिस वाले जेल में। पुलिस लोकतंत्र के अंदर इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो बयान एसपी ने आगे दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, फोटो में चोट लगी हुई नजर आ रही, वो कह रहे हैं कि चोट नहीं है। और ये डेड बॉडी हमारी जो है, ये भाई हमारे हिंदू भाइयों में तो दाह संस्कार हुआ खत्म, हमारी तो पड़ी हुई है, जिस दिन जाएंगे उस दिन खुलवा लेंगे, 20 साल बाद भी चोट के निशान निकल के आते हैं। तो इसलिए हम आपसे साफ कहना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, बस किसी को बीच में मत घुसने देना, अल्लाह के वास्ते यही गुजारिश करने के लिए। धन्यवाद। इन्होंने एक बड़ी माकूल बात कही, उसको हमारी जितने भी हमारी लीडरशिप के जो लोग भी हिंदू हैं, हमने वो सब लोग आ रहे हैं। अभी नीतन भाई बात सुन लो भाई, थोड़ी सी और। गणेश गोदियाल जी रास्ते में नेशनल हाईवे में मलवा आ गया, वो वहां रुक के नहीं आ पाए, वो और साहब प्रकाश जोशी जी सबको, जितने